ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। मामला गांव अड़ीक का है, जहां पिछले कई दिनों से विद्युत आपूर्ति सिर्फ 4 या 5 घंटे ही आ रही है। ग्रामीण इलाकों में अघोषित बिजली कटौती से लोग बेहाल हैं, तो वहीं भीषण गर्मी में बिजली न मिलने से लोगों की रातों की नींद पूरी नहीं हो पा रही है और दिन का चैन भी छिन गया है। गोवर्धन के गांव अड़ीग में स्थिति ये है कि 24 घंटे में मात्र 4 से 5 घंटे ही विद्युत आपूर्ति हो रही है। अगर यही स्थिति रही तो लोगों का आक्रोश कभी भी उबाल ले सकता है। विद्युत न आने से ग्रामीण सोमवार की रात सड़क पर उतर आए और हंगामा करने पर उतारू हो गए। जानकारी के अनुसार गांव अड़ीग के मोहल्ले सहरे पायसा में विद्युत आपूर्ति न होने से ग्रामीण खासे परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पूरे दिन विद्युत आपूर्ति नहीं होती, रात को विद्युत आती है तो वो भी सिर्फ 4 या 5 घंटे। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि बिजली की शिकायत कई बार संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को फोन पर की जा चुकी है, लेकिन कोई भी समाधान नहीं हुआ। विद्युत न आने से रात को मच्छरों का आतंक बढ़ जाता है, जिससे रात गुजारना मुश्किल हो जाता है। तो साथ ही ग्रामीणों ने सोमवार की रात को विद्युत न आने पर चेतावनी दी कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई, तो वे भारतीय किसान यूनियन भानू से मिलकर आंदोलन करने को उतारू होंगे। वहीं ग्रामीणों की लगी भीड़ को देखकर चौकी प्रभारी दिलीप कुमार भी मौके पर पहुंच गए। यहां चौकी प्रभारी ने लोगों को समझा बुझा कर घर भेजा। क्या नाम भैया? मेरा नाम महेश सैनी है। कहाँ के रहने वाले? मैं अड़िंग का रहने वाला हूँ। मैंने सुनील लाइनमैन के खिलाफ शिकायत की थी, उसके बाद सारे लाइनमैनों ने यूनियन बना ली है और जेई ने भी यूनियन में शामिल हो गया है कि अड़िंग की लाइट, अड़िंग के सब सहरे पैसे की लाइट जब चलेगी, जब सुनील बहाल हो जाएगा इस अड़िंग की लाइन में। तो कब से दिक्कत आ रही है लाइन में? ये दिक्कत जब से सुनील हटा तब से और ज्यादा आ गई है। उससे पहले तो आ गई थी। अब क्या सुनील पैसे मांगता था? अब क्या स्थिति लाइट नहीं आ रही? अब स्थिति है लाइट रोजाना डेली गायब हो जाती है शाम को। अब लाइनमैन से आपने किसी को बोला? किसी लाइनमैन लगे हुए हैं जो करे, हमें पता नहीं चल रहा क्या हो गया लाइन में। लाइनमैनों को पता ही नहीं है लाइन में क्या हो गया। किसको पता होगा? हम गांव वालों को पता होगा लाइन में क्या हो गया है। छोड़ गया 11,000 का, तो उसको भी कोई देखने नहीं आ रहा है। बिजली घर पे फोन कर रहे हैं तो हवलदार कह रहा है कि मैं सिट डाउन नहीं दूंगा रात में किसी के लिए भी। तुमको जो काम करना है वो काम करते रहिए आप। लाइन कह देता है ठेकेदार का काम है, ठेकेदार कह देता है लाइनमैन का काम है। ये जनता क्या अपनी एसएससी कराए? क्या करेगी जनता? क्या नाम भैया? मैं नथु गुला किसान यूनियन, नथु प्रजापति किसान यूनियन ब्लॉक अध्यक्ष। मैं अड़िंग में लाइनमैनों से अवगत करा चुका हूँ। मैं कहता हूँ कि सब जब जब गांव के अंदर में परेशानी आती है, लाइनमैन कोई सुनता नहीं है। ज्यादा दिन से सुनील गया है, इस लाइनमैन का जहाँ से ट्रांसफर हुआ है या दूसरी जगह भेज दिया है, सुबह से तारा लगा दो और उसी दिन से अड़िंग की व्यवस्था इतनी, अरे बिजली घर का ताला लगा दो सुबह सुबह, इतनी दुर्भाग्य हो गया है कि अड़िंग को रात में सोने की बच्चान की कोई व्यवस्था नहीं बन रही है और लाइनमैनों से कहते हैं तो वो सुनते नहीं है। क्या स्थिति में रहते हैं लाइनमैन? क्या स्थिति में रहते हैं लाइनमैन? तो ऐसी स्थिति में रहे जैसे कुमारों की गला चढ़ते रहेगा ऐसे।